टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज फिर मुमरा पुलिस और यातायात ट्रैफिक पुलिस मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने नाकाबंदी की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वाहनों को रुकाकर तस्वीरें खींचकर चालान कर रहे हैं। जिन जिन वाहनों को रुकाया जा रहा है, किसी के पास हेलमेट नहीं है तो किसी के पास ड्रेस और बैच नहीं है। कल 116 वाहनों की चालान किया था और आज 183 वाहनों को चालान किया है। इनमें ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहनें शामिल हैं, जिसका चालान 77,100 रुपये किया गया है, यानी ऑनलाइन फाइन मारा गया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देखें, कौसा वाई जंक्शन पर ट्रैफिक हवलदार अनिल नारायण देसाई ने 75 मोटरसाइकिल को रुकाकर चालान किया है, जिसका फाइन 35,900 रुपये की है। इनके पास लाइसेंस और हेलमेट नहीं थे। बहरहाल अब लगातार पुलिस ने कमर कस ली है, जो विदाउट लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना ड्रेस बैच के चल रहे हैं वाहने, उन पर कार्रवाई करने की पूरी जो है प्रक्रिया जारी है। और सुनिए PI राम सेवाड़े ने क्या कुछ जानकारी दी है। सर, कल भी आप जो है 2 घंटे से ज़्यादा जो है यहाँ पर नाकाबंदी लगाए थे और आज भी नाकाबंदी लगाए हैं। ये जो लोग जो आ रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं? कोई हेलमेट नहीं लगाया है, किस तरह की फाइन आप मार रहे हैं? कल से जो है हमारे आयुक्तालय के एडिशनल सिटी साहब जो है, उन्होंने कल से ये लोगों में थोड़ा सा जानकारी ये करने के लिए कल से हम ये ड्राइव, स्पेशल ड्राइव किया है, जिसमें जो भी रिक्शा ड्राइवर्स है वो जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, जो टू व्हीलर वाले हेलमेट नहीं पहनते, विदाउट लाइसेंस चलते, उनके ऊपर आज भी कार्रवाई कर रही। कल भी हमने तकरीबन 116 कार्रवाई किया है इसमें और आज भी कार्रवाई जारी है। ज़्यादातर कौन से लोग आ रहे हैं? नहीं, कल कैसा है, लोगों के मन में ट्रैफिक के प्रति रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने, हम लोग कार्रवाई करके फिर भी उनको बता दे भी है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, टू व्हीलर वालों को बता दे कि हेलमेट पहननी है, मास्क पहनना है और विदाउट लाइसेंस नहीं चलना है। ये कब तक ऐसा कार्रवाई आप लोग का चलता रहेगा? हम ऐसा डेली हमारा काम है, अभी गणपति भी चालू है, इसमें हमारा ये डेली कार्रवाई चालू रहेगी। अपना काम कर रहा हूँ।